ऑफ इंटरनल, एक का आंसर देखेंगे। इंटरनल बना लीजिए पहले, इंटरनल मतलब एल्डिहाइड हो गया CH2CH2CHO, चाहे CHO ऐसे ही बना दीजिएगा, चाहे स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ब्यूटेनल हो गया, ब्यूटेनल एल स्पेलिंग है एल्डिहाइड। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब हुआ ऑफ हाइड्रोजन, देखेंगे रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, तो रिडक्शन हो रहा है, कैटालिटिक कह रहा है मतलब यहाँ पीटी 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 कोई इसमें से डाल ले तो यहाँ डायरेक्ट H2 लेंगे, 2H नहीं लिखेंगे। याद दिलाए थे कैटालिस जब यूज करते थे तो H2 ले लेते थे, कैटालिस होता था पीटी पीटी NI, और नहीं तो कुछ मटेरियल था LI NH4 था NADH4 था, कुछ है और भी हाइड्राइड बनाने वाला था NADH4 भी था, चाहे या और PCCO था, और भी कई तरह का JNADH4 था, तो उसमें इस तरह से पीडीओ नहीं डालेंगे। कैटालिस बोला तो यहाँ H2 लिखे, कोई कैटालिस से NIPD डाल दें, तो यह एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसको यह CH2OH में प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, तो CH2OH बना देंगे, ये CH2OH बना देंगे, CH3 CH2 CH2 और हो गया CH2OH। नाम लिख देंगे इसका ब्यूटेनॉल हो गया, चाहे ब्यूटेन 1 भी आप लिखना चाहते हैं ब्यूटेन 1 को तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। यहां देखेंगे दूसरा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन बना लिए CH डबल बॉन्ड CH, हाइड्रेशन का मतलब H2O से रिएक्शन कर रहा है, इधर प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखना हो तो लिख दीजिएगा, ना तो H+ लिख दीजिएगा, अच्छा नॉन जा रहा है तो ना एकदम हम लिखेंगे ही तो लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है यह चीज में इतना तो केवल H+ लिखे रहेगा, एक ही को कोई चीज लिखिएगा, हटाइए आप उसको जब ऊपर लिख दे, याद होगा इसका दो पार्ट होता है H OH, तो ये कहाँ देता है यहाँ OH यहाँ देता है, अब ये मिला भी था कहीं ये और मिलेगा कई जगह एग्जामिनेशन में पहले खूब आता था यार H Y इसमें का यहाँ चला जाएगा OH यहाँ, मार्कोनी का रूल जो है यहाँ भी लगाने जा रहा है CH3 CH, यहाँ यहाँ पर H2 था तो ये बढ़ गया CH3 हो गया, यहाँ पर OH इसका नाम अगर कहे तो 1 2 3 हो गया, इसका नाम प्रोपेन 2-ol कर देगा। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा रिएक्शन ऑफ प्रोपेन यहां देखेंगे विथ मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कोई गलती लिखी क्या प्रोपेनोन था, वो तो अपने ही पकड़ा गया प्रोपेन पास प्रोपेनोन, रिडक्शन ऑफ प्रोपेनोन, तो इसका प्रोपेनोन का पहले बना ले प्रोपेन से, यह हो उन लोगों का लिख दिए प्रोपेनोन, प्रोपेनोन हो गया, कीटोन हो गया कीटोन, अब इसका रिडक्शन कराना है हम लोगों का RNGX से, RNGX माने ग्रिनार्ड ये है, यहां पर देखेंगे मिथाइल CH3MG बीआरसाइड है ब्रोमाइड से रिएक्शन कराना है, तो इसका दो पार्ट होता है, याद होगा इसको प्लस लिखे थे इसको माइनस लिखे थे, इसको भी हम ऐसे भाग में लिखते थे, इस पर डेल्टा माइनस इस पर डेल्टा प्लस, माइनस वाला जो है इस प्लस से ले लिया था यहाँ पर कर देते थे, और प्लस वाला पार्ट जो है यहाँ पर आ जाता था यहाँ पर इस तरह से CH3 CH3
CH3 इस तरह से और यहाँ पर OMGX हो जाएगा OMGBI। चाहे आप इधर CH3 यहाँ लगा दीजिएगा तो इधर OMGX लगा देंगे, आप जैसे सुविधा बुझाए लिखने में। अगर इधर ऊपर विकलांग जैसा भी है तो इसको यहाँ प्रेशर बना दीजिएगा, सूटेबल दिखाई पड़ेगा। जो आप जानते हैं इंटर सीरीज जैसा यहाँ OMGBI से बना देंगे, थोड़ा बढ़िया दिखाई पड़ेगा। और देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस शर्त है, याद है H2O से H प्लस, तो इसका दो पार्ट होता है H, H2O को यहाँ भेजते हैं, OH2O को यहाँ भेजते हैं। ये अपने से थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, इतना ही नहीं होता है, खुद जो है ये रिएक्शन इतना से करना पड़ता है। वो तो लिखा था इतना ही तक, ये गिना दीजिए, लेकिन हम थोड़ा सा अपने मन से यह बढ़ा दीजिएगा कि ये इसका पर्पस होता है यह चीज बनाना। CH3 इसमें का दो पार्ट, H को यहाँ भेजते थे हम OH टर्शियरी अल्कोहल हो गया, प्लस NG OH यहाँ BR हो गया, नाम लिखने के लिए यहाँ जगह बनाया है। इसको ऐसे आई क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल यह बना देंगे, तीन ही थाई से बनाएंगे। स्वप्न ओएल ओएल लिखा है और कोहल है, पहले इसे का दिया जाए तो सबसे हल्का वो पहले का दिया जाए कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बीपी बढ़ जाता है, तो इसमें मिथेनॉल सबसे छोटा होगा, बिना स्ट्रक्चर लिखे पकड़ा जा रहा है तो ऐसे ही हम आंसर लिख देंगे। पकड़ाने वाला नहीं हुआ तब तो हम स्ट्रक्चर लिख के पूछते, पकड़ा जा रहा है मिथेनॉल सबसे कम डीपी वाला होगा, हल्का है, आंसर एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर डीपी। चलिए ये पहले मिथेनॉल पहले लिख दिया जाए, सबसे हल्का है, मिथेनॉल के पास शायद इथेनॉल दिया था, इथेनॉल यहाँ है, ऐसे ही पकड़ा जा रहा है, स्ट्रक्चर लिख कर बताते इथेनॉल, इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल नहीं दिया, यह भी दिया है प्रोपेनॉल वन मोल यानी प्रोपेनॉल है प्रोपेन वन मोल, उन इतने लोगों का काम खत्म हुआ। यह जो है दो कंपाउंड किया, देखो ब्यूटेन वन मोल ब्यूटेन टू मोल, तो ब्यूटेन वन ओल और ब्यूटेन टू ओल दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाएगा, तो हम जजमेंट लेते हैं कि जितना ही ब्रांचिंग वगैरह बढ़ता है उतना ही सरफेस एरिया बढ़ता घटता है, तो ब्रांचिंग तो नहीं है, इसमें बीच में वो जा गया तो थोड़ा सा इसका सरफेस एरिया किनारे वाला से घट जाएगा। ध्यान से सुनो, इसमें ओएच बीच में आ गया और इसका किनारा ज्यादा है, ओएच किनारा है तो इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मोर पोलर ग्रो होगा, ये थोड़ा लेस पोलर हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दिया जाए, इसको बाद में लिख दिया जाए। ध्यान से सुनो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम होगा लेकिन इसको पहले लिख दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया घट सकता है, लेस पोलर हो जाएगा और किनारा वाला से जो है मोर पोलर हो गया, यानी इन दोनों में जजमेंट लगे, इनको पहले लिख दिए ब्यूटेन टू ओल, अब तब लिखिए किनारा वाला हो गया ब्यूटेन वन ओल और लास्ट में वो बच गया योर पेंटेन वन ओल, ऐसे ही पकड़ा गया तो स्ट्रक्चर बिना लिखे हो गया। चलिए दूसरा देखेंगे, इधर इंक्रीजिंग जो है इंक्रीजिंग एमबीए में भी लिखना है, इंक्रीजिंग एबीपी चाहिए। चलिए इसमें पेंटेन वन मोल है और ब्यूटेन है, पेंटेनॉल है और इथॉक्सी इथेन है। देखिए इसमें जो है ब्यूटेन है एन ब्यूटेन, सीधा साधा एन ब्यूटेन है, चारों कार्बन इसमें भी होगा, चारो कार्बन इसमें होगी बात होगा, लेकिन यह जो है एन पेंटेन ऑल्केन है, तो एकदम सबसे जो है ऑल्केन जो है नॉन पोलर होता है,
इथेन मीथेन ब्यूटेन। तो इस यह वन बोन और होने के कारण इसमें कोई एच बॉन्ड वगैरह नहीं बने, खाली वाटर वाटर सॉफ्ट प्रोटेक्शन लगेगा, इसलिए हम इसको पहले लिख दे रहे हैं बिना चेंज स्ट्रक्चर लिखे पढ़ा जा रहा है। इन ब्यूटेन लिख दिए, इन ब्यूटेन। इसके बाद ये पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, इन दोनों को छोड़ दीजिए पार्ट वाला। अब इसको ला दीजिएगा इथॉक्सीथेन यहाँ पर। इथर इथॉक्सीथेन माने इथॉक्सी इथेन इथर है। इथर थोड़ा सा इथर देखे थे कि 110 डिग्री का एंगल होता था, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा एंगुलर होता है, हल्का सा पोलर होता है इसके अपेक्षा, इसलिए इसका बीपी जो है इसकी अपेक्षा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा पोलर होता है। तो ये जब सज गया तो दो जने बचे, एक यह बच गया आ एक यह बच गया, इन दोनों में निर्णय लेना है। ध्यान से देखें पेंटेनॉल ऑल्डी है, अब पेंटेनॉल अल्कोहल जो है वो मोर पोलर होता है एल्डिहाइड का अपेक्षा, एच बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्गर होता है। क्या क्यों ऑफ हो गया? अच्छा अच्छा हो जाता है, खूब बढ़िया समझ लो, बहुत मजा आता है सब सजाने में, आता भी है जाके समझ लो। पहले ब्यूटेन से तो जरूर बड़ा होगा, इसलिए उसको बाद में सोचेंगे, ये दूना जाना बच हुआ है तो इन दोनों में सोचे कि कमरा का पहले होगा। तो ये ब्यूटेन है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब जो है हल्का होता है। अभी क्या होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है, गैस होता है, ब्यूटेन है ना हम लोग को एलपीजी है, ये सबसे पहले आ गया। आप पूछिएगा कि यह सबसे पहले क्यों आया, थोड़ा सा पोलर नेचर का इसमें वो हो जाता है, क्योंकि इसे इथर का स्ट्रक्चर ऐसे लिखे हुए थे आर गैस 110 तक, तो हल्का फुल्का पोलर भी होगा, तो इससे ज्यादा इसका फोर्स जो अट्रैक्शन जो है इससे ज्यादा होगा, यानी सबसे कम हो गया, यानी पहले लिख दिए तो इथॉक्सी इफेक्ट लिख दिए, तो दो जने को तो निकाल दिए, इसको निकाल दिए इसको। अब यह पर सोचेंगे, यह पेंटेनॉल है माने एल्डिहाइड, यह है पेंटेनॉल माने अल्कोहल, अल्कोहल में एच बॉन्ड देखे थे, एल्डिहाइड में नहीं देखे थे, एल्डिहाइड थोड़ा सा इसके अपेक्षा लेस पोलर है, और यह माने मोर पोलर होता है, ये लेस पोलर। तो इस दोनों में हम क्या जजमेंट लें, इसको पहले लिख दे इसको बाद में, क्योंकि इसका एच बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसके लिख दिए एल्डिहाइड वाला को पहले पेंटेनॉल। इसके बाद लिख दिए पेंटेन वन मोल, पेंटेन वन ओल लिख दे, हो गया।